ओम शांति। आज 22 जून 2023 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरण चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। प्रश्न है, कई बच्चे कहते, बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो। मन मूंझता है यह कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते अपना चार्ट रखूं, अंदर में बाबा बाबा सिमरण करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। गीत शांति। निराकार भगवान वाच, निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवान वाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, यह तुम्हारा फलाना है। और पारलौकिक बाप कहते हैं, हम निराकार हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो, इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं, हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं, अब तुमको वापस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं, बाबा बाबा करते रहो। यह बाप है और माता फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना। दुनिया में कोई को पता नहीं बाप इनके द्वारा मुखवंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ? जगत अम्बा को नहीं कहेंगे। जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल ना सके, इसलिए जगत अम्बा है। उनकी भी माँ यह है, ब्रह्मा बड़ी माँ है,
यह सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वह कहते हैं मात पिता, तो यह बाप बैठ समझाते हैं। यह कोई साधु संत का काम नहीं, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है, बाप सुख देते हैं माया दुख देती है। यह है ही सुख दुख का खेल और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था जिन्हों के चित्र है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ यह कोई जानते नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, 8 गद्दियां चलती हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती हैं। डिनाइस्टी होती है ना, मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वह बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यह है। अभी तो राजाई है नहीं, न किंग क्वीन है, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य क्षण भंगुर का। इनमें कोई सुख नहीं, जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है, वास्तव में ऐसे है नहीं। यह सब बातें बैठ बनाई है। है यह रुन्य यानी मरुस्थल के पानी मिसल राज्य। राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई हो गई है। फैमिन यानी अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि, यह सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी वन गवर्नमेंट वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आँखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, यह मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी? अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता? बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है
यह माँ बाप है, यह बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, यह कितनी कमाई करता है। तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, तुमको देने लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। यह तुम फर्स्ट क्लास ग्राहक है। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। एक कहावत है ना, सुबह का साईं। पाप तुम एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं, यह सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाना है। इनको छोड़ो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं, बाबा मोटर लूं। अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो। मकान बनाना है, अच्छा भल बनाओ। राय देते रहेंगे, पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना। कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो। बाप यानी ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे। अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा यानी शिव बाबा है, वह तो फिर धर्मराज भी है ना। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। वहां के नाम भी कितने सुंदर होते हैं, बसरमल आदि नाम वहां होते नहीं। वहां रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं, श्री का टाइटल भी मिलता है, क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहां तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, यह पुरानी छीछी दुनिया है, यह सब खत्म हो जाना है। अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं, फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनका शास्त्र फलाना। अच्छा वेद किस धर्म का शास्त्र है? कुछ भी पता नहीं। सन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़े, फिर गीता
क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग सयाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे, भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, जब कोई चार पांच इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भराना है क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। निश्चय करना है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना यह तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है। विकर्म कोई होता नहीं, विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा नंबरवार। चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से। याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते हैं, मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चाट रखो, तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। गाते भी हैं, सिमर सिमर सुख पाऊं, अंदर सिमरना है, चुप रहना है, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते हैं, रहो भी भल गृहस्थ व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहां पाप का काम न हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करे। कहीं फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते हैं। वह हुए सौतेले मातेले जरूर बताएंगे, बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यहां तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा तब वहां भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि यह कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहां गया।
तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतुप्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमु प्रधान भक्ति होती है, आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है, इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता, यह तुम क्या कहते हो। बाप को भूलने से ही यह हाल होता है, बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो, गाते आए हो बलिहार जाऊं, अब कहते हैं मैं आया हूं तो माँ में कम याद करो ना, मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है, इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए, नष्टो मोहाबन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखें, नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ यह पुराना है, अब बाप और वर्से को याद करो, इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं, यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहां बनना है, फिर प्रिंस के बाद राजा तुम जरूर बनेंगे। अच्छा बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, दूसरा यहां हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है, बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं, वरदान है अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो, अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है, ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही झुकेंगे। स्लोगन है सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।